यदि ऐसा तेरा मत है तो यह जीव द्रव्य अपरिणामी सिद्ध होगा। जीव द्रव्य स्वयं क्रोधादि भाव रूप परिणमित नहीं होने से संसार का अभाव सिद्ध होता है अथवा सांख्य मत का प्रसंग आता है। यदि ऐसा माना जाए कि क्रोध रूप उद्गत कर्म जीव को क्रोध रूप परिणमन कराता है तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि स्वयं नहीं परिणमते हुए जीव को क्रोध कर्म क्रोध रूप कैसे परिणमा सकता है। तथा यदि ऐसा माना जाए कि आत्मा स्वयं ही क्रोध भाव रूप से परिणमता है तो फिर क्रोध कर्म जीव को क्रोध रूप परिणमाता है यह कथन मिथ्या सिद्ध होता है। अतः यह मानना ही ठीक है कि क्रोध में उपयुक्त आत्मा क्रोध ही है, मान में उपयुक्त आत्मा मान ही है, और माया में उपयुक्त आत्मा माया ही है, और लोभ में उपयुक्त आत्मा लोभ ही है। अंश दिन में आ गए, अरे पुरुषार्थ क्या करना, आत्मा तो शुद्ध ही है ना।
ऐसे कहने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो दोनों के लिए कह रहा हूं कि जो ये कहते हैं शुद्ध मानते हो तो शुद्धता का पुरुषार्थ नहीं होगा, उनको हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक शुद्ध नहीं मानोगे बोलो तब तक शुद्धता का पुरुषार्थ, ये हाथ को इसीलिए धोया क्योंकि दृष्टि में गंदा हाथ आ रहा है और श्रद्धा में साफ हाथ। दृष्टि में कौन सा हाथ आ रहा है? गंदा, कोयले से काला, कंकुम से लाल, हल्दी से पीला, रंगों से अलग अलग टाइप का, लेकिन दृष्टि में तो वो आ रहा है और श्रद्धा में क्या है? हाथ साफ। तभी तो हैंड वॉश की, तभी तो डर नहीं लगता, तभी तो कभी भी हाथ ऐसे करने में डर नहीं लगता अपने को, पता है कि क्या है ये। तो एक बात श्रद्धा की बात, तो उसके बाद में फिर क्या बात आएगी? हाँ देखो, जैसे हाथ का श्रद्धा साफ होने के बावजूद भी हम अनिवार्य कारणों के लिए हाथ गंदा करते हैं, राह चलते चलते गोबर में हाथ नहीं डालते, यही करते ना, यही करते कि नहीं करते? ऐसा थोड़ी कि मिट्टी का ढेर देखा और हाथ डाल दिया, गोबर देखा और हाथ डाल दिया। हाँ अनिवार्य, अब उसको समझो, विकार में भी एक कंडीशन है, नकामे विकार करो ये उचित नहीं है, वैसे तो विकार काम के नहीं है, लेकिन एक भूमिका नाम का कॉन्सेप्ट आता है वहां पर। कौन सा कॉन्सेप्ट? भूमिका, कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भले ही नकामी हो, भले ही नकामी हो, लेकिन भूमिका अनुसार होती। बात समझ में आई? तो उतने ही विकारों की छूट है, वो भी ग्रस्त अवस्था। समझे? तो दूसरा नंबर का क्या आया था? कि विकार अनिवार्य परिस्थिति में ही हम विकार रूप परिणमित तो होना चाहिए, जैसे अनिवार्य कारणों से ही हम हाथ पैर गंदे करते। अब खाना है तो हाथ गंदे करेंगे ही करेंगे, साफ सफाई करनी है तो हाथ गंदे होंगे ही होंगे, लेकिन पूरे गांव की साफ सफाई करने नहीं जाएंगे, अपने घर की करेंगे। समझ में आया? उतने अनिवार्य, ठीक है ना। दूसरी लाइन जान लगे, तीसरे नंबर की क्या बात थी? अनिवार्य कारणों में भी नहाना और हाथ धोने का अंतर बताया था ना, ये किसके लिए बताया था? नहाना और हाथ धोने का अंतर, हाँ ये इंपॉर्टेंट, कि जितना जरूरी हो उतना ही करना। पेट भरने के लिए अगर दो टाइम भोजन जरूरी है, ठीक है दो टाइम भोजन का विचार कर लेना, लेकिन 24 घंटे खाओ धर मन कर मत घूमना, खाओ धरा क्या खाएंगे क्या खाएंगे, सुबह से शाम तक एक ही चिंता, क्या खाएंगे क्या खाएंगे, आजीविका के लिए धन कमाना, लेकिन 24 घंटे आजीविका आजीविका के विकल्पों में मत रहना। परिवार का ध्यान रखना, लेकिन 24 घंटे परिवार में मोहित मत हो जाना, आत्मकल्याण भी करना, शरीर का ध्यान रख लेना, लेकिन ये खाने से ये होता है वो खाने, ये 24 घंटे का जो होता है ना भाई साहब, देखो तुम 24 घंटे विचार करो, तुम भी जैसा परिणाम होने वाला है वैसा होगा, 24 मिनट विचार करो तुम भी जैसा परिणाम होने वाला है, 24 सेकंड विचार करो तो भी जैसा परिणाम होने वाला है वैसा, और नहीं विचार करो तो भी वो तो तुम्हारा हमारा जितना पुरुषार्थ खिल जाता है उतने विचार निकल जाते हैं, बाकी खाली दिमाग तो क्या होगा, विकारों का ही घर होगा ना। खाली दिमाग जब आपका रहेगा बराबर और अंदर की प्रभुता नहीं दृष्टि में नहीं आएगी तो उसमें विकार ही विकार रहेंगे। और मैंने बहुत देखा व्यक्ति जैसे ही अपने ये अनिवार्य चीजों से हटता है ना तो विकारों में भरता है। और ये अभी आप देखो, मतलब ये मोबाइल के कारण तो बहुत अति हो गई, एक चीज बहुत ज्यादा, मैंने तो एक बार
मतलब थोड़ा मेरा घंटे दो घंटे बिगड़े ना तो मुझे इतना इरिटेशन हुआ कि मैंने कितनी सारी शॉपिंग वेबसाइट डिलीट ही कर दी। जरूरत पड़ने पर शॉपिंग करना ये ठीक है, विकल्प आता है, लेकिन अब तो ना घर में दुकान दे दी है, बैठे बैठे देखते जा रहा है। मतलब जरूरत हो तब करना ये आपका ठीक है भैया, हवा में थोड़ी कोई चीज जाएगी, कोई चीज देना है तो विचार भी करना पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा, दो चार तरीके से एक जेन्युइन कारण निकलेगा। लेकिन अभी तो क्या है, बैठे बैठे नकामा देखे जा रहा हूं, ये अच्छा लगेगा ये बुरा लगेगा, 24 घंटे लोग तो और देखते क्या उसमें ब्यूटी प्रोडक्ट कपड़े और ये सब चीजें देखते हैं, दवाओं को कोई देखता नहीं। हाँ अने पी क्रियाना की वस्तु जो ना हो तो बे वस्तु ना बताना तुम्हारे जे एसेसरीज कपड़ा सौंदर्य प्रसाद कपड़े हैं छोकरा हो तो एना रम अपना हो आगे वह 24 कलाक में भूत। ये चीज मैं सच बता रहा हूँ बड़ा, लेकिन क्या करें जमाने ऐसा हो रहा है। 24/7 कनेक्टिविटी ने सेल्फ कनेक्टिविटी का स्कोप बहुत कम कर दिया, सच बता रहा हूं, बहुत बड़ी समस्या है। अगली जनरेशन में इसका इफेक्ट दिखाई देगा। व्यक्ति आत्म केंद्रित बनना मतलब एवरेस्ट चढ़ना जैसा हो जाएगा। जैसे आज हम 5 मिनट शांति से बैठ जाते हैं ना, अगली 10-20 साल बाद 5 मिनट शांति से बैठना मतलब गोल्ड मेडल जैसा हो जाएगा। व्यक्ति के डीएनए में भी वो हो जाएगी, क्या कहते हैं उतावड़पन, और उसका परिणाम उसके रिएक्शन में दिखाई देगा, उसके इमोशंस में दिखाई देगा, उसकी हर वृत्ति में दिखाई देगा। ये अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन जहां तक मैं अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करूं तो इसका असर अगली 2-3 पीढ़ी में जोरदार आने, और ये आप अपनी पीढ़ी को देख लो हमारे से कई गुना आगे है। मैं वेदई को कई बार बोलता हूँ 2 मिनट खाली बैठती है बोर हो रहा हूँ। मैं बार बार उसको कहता हूँ थोड़ा बोर होना सीख, बोरियत को भी सहन करना सीख। हमने भी बहुत बोरियत को सहन किया हैं? अब तुम्हारे पास में साधन मिल गए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा उसमें ही लगे रहो। तो अगली 50 सालों में जैसे आप 5-10 मिनट बैठ के सुन रहे हो ना, ये उनके लिए बड़ा भारी काम लगेगा, क्योंकि वो विज्ञान तो कहता है बंदर से आदमी बना और मोबाइल फिर से बंदर बना देगा। उतावला कर करके एक ही में बैठ ही नहीं पाए, दिमाग ही बंदर में बनाई देगा। फिजिकल तो कराता ही नहीं है, तो फिजिकल तो तंदुरुस्ती तो आएगी नहीं, लेकिन दिमागी तौर पर जरूर वो बंदरपन उसमें है। इसीलिए अन्य का तो हमें पता नहीं वो कैसे करेंगे भैया, उनका वो जाने, उनके हिसाब से वो तैयार होंगे। हम तो हमारे लिए बात करते हैं, और जो आप लोग के लिए बहुत जरूरी है कौन सी, मिनिमम इन्वॉल्वमेंट, दिमाग को, मन को, आत्मा को, चेतन को 24 घंटे गंदा करना ठीक नहीं है। और हाथ धोने से काम चलता हो तो पूरे बदन पे कीचड़ लपेटने की कोई जरूरत नहीं, इतना बस बराबर। क्योंकि एक तरफ हम कहेंगे हमारे करने से कुछ होता नहीं, और दूसरी तरफ 24 घंटे करते तो विकल्प कर लिए, दो अलग अलग पोल बन गए। आप तत्व को ऐसे विभाजित होकर नहीं समझ पाओगे। मेरी बात को बहुत धैर्य से समझना, बहुत गहराई से मैं बातें कर रहा हूं, उतनी गहराई से आप समझना, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। हम लोग कभी विचारते क्यों नहीं है ऐसा कि जो समय साल में पढ़ रहे हैं वैसी दृष्टि हो, वैसा अनुभव हो, और अगर वैसा अनुभव करना है तो क्या क्या मूलभूत सुधार हमें हमारे अंदर में करने चाहिए, ये विचार।
जानती क्यों नहीं? मुझे नहीं पता मेरे कहने के बाद में आप लोग कितना सोचते हो, लेकिन मेरे चिंतन में तो चलते रहता है और वही बात मैं आपको कहता हूं। समझे कि नहीं समझे? अब उसमें क्या बात कह रहा हूं कि ये दो बातें एक साथ नहीं बनेंगी। एक तरफ आप कहोगे अकर्ता अकर्ता अकर्ता, और दूसरी तरफ 24 घंटे कर्ता के विकल्पों में पड़े रहो। एक तरफ कहो वितरागी वितरागी वितरागी, और दूसरी तरफ 24 घंटे राग द्वेष को बनाने में, बढ़ाने में, बिखेरने में, बटोरने में लगे रहो। एक तरफ पर कहो और दूसरी तरफ पर को इकट्ठा करते रहो। एक तरफ अपने आप को ज्ञाता करो कहो, और दूसरी तरफ इतने शॉर्ट टेम्पर हो कि अपने इच्छा के विरुद्ध कुछ भी हो सहन ना हो। तो आपको नहीं लगता कि दो अलग अलग दिशा की बात हो रही है? एक उत्तर है, एक दक्षिण है। ये उत्तर दक्षिण जीवन में अवतरित कैसे होगा? और इसके लिए जरूरी है थोड़े धैर्य के साथ में इन चीजों को गंभीरता से समझना चाहिए। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। धीरे धीरे जब आप ये करते जाओगे तो ये पुरुषार्थ बनेगा, और यही पुरुषार्थ जैसे होता ना, एक कपड़ा यहाँ का और ये छोड़ उसको बीच से मोड़ दो तो ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, और फोल्डिंग पॉइंट एक बना दो तो दोनों मिल जाएंगे। ये पुरुषार्थ फोल्डिंग पॉइंट है आपका। पुरुषार्थ आपका नहीं रहा तो उत्तर उत्तर में रहेगा, दक्षिण दक्षिण में रहेगा। आप सुनते भी मजे से जाओगे और संसार भी मजे से बढ़ा देगा। वो सुना हुआ संसार घटाने में कारण नहीं बनेगा। तो दवा का मतलब क्या है? जो दवा रोग घटाने में कारण नहीं बने वो दवा तो मेडिकल में सुहाती, घर पे तो वही काम में आती, जो खाओ सो रोग घटे। दवा है कोई शोपीस थोड़ी है। समझे कि नहीं समझे? हमेशा क्या है? औषध, परमोषध, महोषध, सर्वोषध। मैं नया इसीलिए इस बात को थोड़ा समझते जाइए। जीवन की बनावट ऐसे कीजिए जहां पे आत्मचिंतन के लिए भरपूर समय मिले। सर्कल ऐसा बनाइए, संयोग ऐसे बनाइए, कार्य ऐसे कीजिए, विचार ऐसे कीजिए जहां पर आत्मकल्याण के लिए अवसर मिले। ऐसे मत चुप जाना कि सब जगह जाओ और आत्मा में ना। अरे चार जगह शादी के कार्ड पड़े हो आपके टेबल पर, आपको लगता है ना दो जगह तो गए, अब सुबह शाम दो जगह जा सकते हैं ना? दो जगह चुप गए तो चुप गए याद आते हैं ना, चुप गए। ऐसे आत्मा से चुप गए याद आता है? शादी में जा नहीं पाए और आपने बहुत मतलब दुख का आपको दे दिया, कोई क्या करें, इच्छा तो बहुत थी लेकिन तीन जगह कैसे जा सकते हैं? दूसरे गांव में थी, एक दूसरे गांव में थी, एक बेटे को यहां पहुंचाया, एक बेटे को यहां पहुंचाया, एक को यहां पहुंचाया, तो भी एक तो चूक गए। अब हम क्या कर सकते? जाने का हर्ष हो वो अलग बात है, लेकिन चूकने का शोक तो होता है ना। वैसे आत्मानुभवन का हर्ष जब होगा तब होगा, लेकिन आत्मानुभवन से चूकने का शोक हुआ कि नहीं हुआ है? वो तो कंसीडर ही नहीं करते। आत्मा को हुआ कि नहीं हुआ वो तो बराबर बात की बात है, लेकिन सीता पर बात होती बहुत बढ़िया है। समझे कि नहीं समझे? ये यही बुद्धि है जो हमें अभी संसार में डुबो के रख रही है। बाकी तो मोक्ष बड़ा सरल है भाई साहब, मोक्ष कठिन नहीं है, मुक्त ही है ना? तो ख्याल में आया? तो तीसरे नंबर की बात पुनः बोल रहा हूँ, मिनिमम इन्वॉल्वमेंट को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से अपनाओ। और चौथे नंबर की बात फिर बोली थी कि हाथ गंदे के बाद सुबह हाथ गंदे किए हों खाने के बाद,
तो बोले अब क्या करना, शाम को फिर से खाना है ना, तब तक गंदे ही रहने दो ना। क्या किया था आपने, जहां हाथ धोने गए वही हैंड वॉश था और वही नैपकिन था। ऐसे जैसे विकार हुआ वही के वही उसे दूर करो और उस विकार के संस्कार को भी नष्ट कर दो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, विकार दूर करना और विकार का संस्कार दूर करना। क्रोध दूर हो जाता है लेकिन क्रोध का संस्कार नहीं जाता है, सहजाता भी नहीं जाता। अगली बार वो व्यक्ति जब मिलता है ना तो बड़े क्रोध ना करे लेकिन प्रेम भी नहीं होता है, होता ही नहीं होता है। ये क्या पढ़ा, क्रोध तो गया लेकिन क्रोध का संस्कार नहीं, ऐसा हो जाता। तो आचार्य कह रहे भैया देखो ये संस्कारों में क्यों खोटा बांध दिया, हाथ धोया था फिर पहुंच भी दिया था, विनाश जो रह गई थी धोने के बाद उसको ही पहुंच दिया था, तो पर्याय पलटी उसके बाद में जो विनाश रह गई हो उसको भी पहुंच दो। जीवन ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, देखो कभी पानी को देखा, उसमें से आपने मटके में से एक गिलास पानी निकाल लिया तो मटके का पानी गुस्सा हो जाएगा, तू छोड़ के क्यों गया, बराबर। और बाद में अपने उसको मटके में डाल दिया तो पानी अब आई ना, अकल ठिकाने आई ना, आ गया ना वापस, जाओ तुझे अपने में शामिल नहीं करेगी। तो जो एक गिलास पानी डाला वो ऊपर ऊपर तैरता है, कैसा हो जाएगा, वो लिया तो जाने दिया, आया तो समा दिया, कितना सरल है। ऐसी सरलता आ सकती है, नहीं आ सकती है। पहले नंबर ये मत सोचो कि नहीं आ सकती, ये नहीं आ सकती का भाव होगा तो कभी नहीं आए। पहले नंबर ये स्वभाव के रूप में समझो कि पानी में तो फिर भी जड़ता है, ज्ञान में तो जड़ता है ही नहीं। तुम कहते हो कि वो पानी था, हम हैं, तो हम ये कहेंगे कि पानी में जितनी तरलता है उससे कई गुना ज्यादा तरलता तेरे अंदर है। पत्थर स्वभाव नहीं है, पानी भी स्वभाव नहीं है, तेरा स्वभाव तो ज्ञान स्वभाव। पानी तरल है, प्रवाही है, लेकिन है तो उद्गल, थोड़ी तो जड़ता है, लेकिन ज्ञान तो चेतन है और प्रवाही है, उसके अंदर तो अंश मात्र जड़ता है। तो पानी जैसे दूसरे पानी को अपने में समा लेता है, अपने पानी को भी जाने देता है बिना अड़े बिना छुए, तेरा ज्ञान उससे भी ज्यादा प्रवाही है। वो ज्ञान वही मैं हूं, मतलब अप्रिय में अप्रिय व्यक्ति आ जाए तो भी मेरे ज्ञान में वैसे ही आ सकता है जैसे प्रिय में प्रिय। निंदा के शत्रु भी मेरे ज्ञान में उसी तरीके से सम्मान पाते हैं जैसे प्रशंसा। अनिश्चय संयोग भी वैसे ही ज्ञान में जगह ले लेते हैं जैसे इस संयोग, क्यों, क्योंकि जैसे पानी में प्रवाही बना था मिलने बिछड़ने दोनों जगह पर, ज्ञान उससे अधिक प्रवाही है, उससे अधिक असंयोगी है, उससे अधिक शुद्ध है। और पानी में तो पानी मिल पाता है, बर्फ डालोगे ऊपर तैरेगा, तेल डालोगे ऊपर तैरेगा, ज्ञान में कैसी ताकत है, सब मिलेगा, जड़ को भी जान लेगा, चेतन को भी जान लेगा, भगवान को भी जान लेगा, राग को भी जान लेगा, द्वेष को भी जान लेगा। मेरा स्वभाव पानी के जैसा प्रवाही नहीं, पानी से अनंत गुना प्रवाही है। प्रवाही समझ गए ना, प्रवाही ऑब्स्टेकल बगैर का, बाधा रहे
ऐसा मेरा स्वभाव है और ऐसा हो सकता है। अब पांच चौथे नंबर का पॉइंट किया, अब पहले नंबर स्वभाव का श्रद्धा, इसके हिसाब से आप करोगे फिर विकार करते जाओगे तो आपके आप वो जैसे थे वैसे हो जाओगे। कल एक मेरे मित्र से ऑफिस में अच्छी चर्चा हुई, वो कहे तुझे अगर एक शब्द में बोला जाए कि जैन धर्म क्या है तो तुम क्या बोलोगे? तो मैंने एक ही शब्द उसको बोला, जैसे थे वैसे ही हो जाओ, इसका नाम जैन धर्म। ये ख्याल में आ गई क्या? प्रजापति मिलता था, कल ऐसे थोड़ी गीता पे चर्चा हुई, बोले तुम लोग गीता को नहीं मानते हो ना, तो कोई भी धर्म 100% हम गीता की कुछ बातें आ सकती हैं वो अच्छी ही रहती है वो स्वीकार करते हैं, लेकिन सब नहीं मानते। गीता में कुछ एक बिंदु अच्छे स्थित प्रज्ञ का बहुत बढ़िया है बराबर, फिर कर्मयोग भी ग्रस्त अवस्था में बढ़िया है, मतलब कुछ चीजें अच्छी हैं, लेकिन गीता को मानना मतलब सब कंप्लीट मान लेना, भक्ति से मोक्ष मार्ग मान लेना, ऐसा नहीं हो सकता बराबर। हाँ, गीता की कुछ बातें हम मानते हैं। बोले बताओ जैन धर्म क्या है? तो मैंने उसकी बात बताई, बोली कौन सी जैन धर्म क्या है? जैसे थे वैसे हो जाओ, उसका नाम जैन। ये समझ में नहीं आया, मैंने ऐसे ही है। जो चीज बैक टू नेचर, ज्ञान तुम्हारा स्वभाव है, ज्ञान वही तुम हो, और ज्ञान में ऐसी ताकत है कि अनंत पदार्थों को जान करके भी राग द्वेष ना करे, पर कैसे हो जाओ हैं? जैसे थे वैसे हो जाओ, ज्ञानमयी में हूं, ज्ञानमयी में हूं, अनंत पदार्थों को जान करके भी ज्ञानमयी रहूं, अनंत पदार्थों को जान करके भी ज्ञानमयी रहूं, ऐसा ही मैं हूं और ऐसा ही मुझे होना है। जन्म से मैं परिग्रह सहित नहीं था, जन्म से मैं आसक्ति सहित नहीं था, पर वैसा होना है। जैसा हूं वैसा बैक टू नेचर, प्रकृति की तरफ जाओ। सारा जगत ये बोलना है, जैन धर्म तो कब से बोलना है बराबर ना, समझे? ये बात क्लियर होगी। अब अपन आगे टीका में करते हैं, जो जहां से छोड़ा था ना उसको अपन आगे पढ़ते हैं। जो जीव कर्मा स्वयं नहीं बनायो थको क्रोधादि भावे स्वयं ना परिणमे तो खरेखर अपरिणामी छरे एम तथा संसार में अभाव है। अपरिणामी हो जाएगा तो भी संसार का अभाव। ये द्रव्य और पर्याय में कल काफी चर्चा की थी, अभी मैं उस विषय को नहीं ले रहा है ना। अहीं एम तर करवा मारे कि पुद्गल कर्म जे क्रोधादि छे ते जीव ने क्रोधादि भावे परिणमावे छे तेथी संसार में अभाव थतो क्रोधादि कर्म जीव को किस रूप परिणाम आते हैं? ऐसे से तो कभी संसार का भाव होगा नहीं, तो तेनु निराकरण दे पक्ष लेने करवामा कि पुद्गल कर्म क्रोधादि छे ते स्वयं अपरिणमता जीव ने क्रोधादि भावे परिणमावे छे ई स्वयं परिणमता ने बोल किसको क्रोधादि भाव को करवा रहे हैं? तो किसको करवा रहे हैं? स्वयं परिणमित नहीं होने वाले को परिणमा रहे हैं कि परिणमित होने वाले को परिणमा रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कल भी बोला था कि कोई व्यक्ति की तरफ अगर आप आकर्षित हो रहे हो तो उन्हीं चीजों पर आकर्षित होते हो जिनका आकर्षण आपके अंदर में विद्यमान होगा। जिस रूप आपके संस्कार होते हैं उससे विवाद होते हैं। अगर आपको ज्ञान अच्छा लगता है ज्ञानियों की तरफ आकृष्ट होगे, आपको रूप अच्छा लगता है रूपवानों की तरफ आकृष्ट होगे, आपको पैसा अच्छा लगता है पैसे वालों की तरफ जाओगे, पद अच्छा लगता है पद वालों की तरफ जाओगे, अपने अच्छे लगते तो अपनों की तरफ जाओगे। ऐसा ज्ञान रहस्य गहन रहस्य है। तुम जिसकी हम जिसकी तरफ जा रहे हैं खरेखर उसके संस्कार हमारे अंदर में पड़े हैं,
अब व्यक्ति बाहर सुधारना चाहता है, अपने संस्कार को हटाना नहीं चाहता, ये बारंबार हम कह रहे हैं। और दुर्भाग्य से कलयुग किसे अपन कहे हैं, कलयुग क्यों कलयुग है, क्योंकि जीव के अंदर कलुषता है और कलुषता के कारण कलुषित कार्यों की तरफ बारंबार कुदरती भाग रहा है। बाहर कलयुग में ऐसा नहीं है, अंदर में कलुषता है। इसका सीधा साधा एग्जाम्पल ये है, अगर आप, मैं तो इसको ऑनलाइन अगर इससे कहूं ना, सोशल मीडिया पर देखूं तो एक बात पता चलेगी, जितनी अच्छी चीजें होंगी उतनी व्यूअरशिप उतनी कम होगी, उसकी फॉलोइंग उतनी कम होगी, क्वालिटी कंटेंट को लोग पसंद नहीं करते। और बैठ के तुम एक वीडियो बना लो जिसमें 50 गालियां हो, क्या हो, सिर्फ गालियां, आप उसे रख दो वायरल हो जाएगा, लाखों लोग देख लेंगे उसे। अश्लील वीडियो बना दो लाखों लोग देख लेंगे, कषाय का वीडियो बना दो लाखों लोग देख लेंगे। समझ में आया? लेकिन एक बात जरूर है, सोशल मीडिया ने व्यक्ति का नकाब उतार दिया है, बराबर। पहले पहले भी था तो पता नहीं चलता था कौन के अंदर में क्या है, अब ये क्या है, एकांत में सब जीवों को मौका मिल जाता है तो व्यूअरशिप में तो गिना जाता है, लेकिन देखने वाले कौन है, देखने वाले कौन है, ये हम जैसे ही है जिन्हें ये चीज पसंद आती थी। पहले उतना मौका नहीं मिलता था तो मन की वासना मन में रह जाती थी, अब मौका आया तो पूरा कर लेते। ये जो हमारे अंदर का जो एक बेहतर आवरण, वो आवरण हट गया। आप कभी भी, मैं देखता रहता हूं इसमें, क्वालिटी कंटेंट चेक करने जाओगे ना तो आपको पता चलेगा जो जितना अच्छा होगा उसके समर्थक उतने कम मिलेंगे, फॉलोअर कम मिलेंगे, प्रचारक कम मिलेंगे, पसंद करने वाले कम मिलेंगे, और जितना घटिया होगा उसको ही। ये कलुषता है, ये कलुषता है, कलयुग बाहर नहीं है, कलुषता अंदर है, वही पंचम काल है। जो कलुषता विकारों के प्रति दौड़ी दौड़ी जाती है वही पंचम काल है। जो कलुषता राग द्वेष मोह का अनुसरण करती है वही पंचम काल है। समझ में आया? ये अंदर बहुत समय साझा अपन कहते हैं ना, एक बात बहुत अच्छी बात आती है, गुरुदेव श्री का जब देह छूटा था तब नेमीचंद जी पाटनी ने एक बात बोली थी, नेमीचंद जी पाटनी की बात, कि आज से भरत क्षेत्र में पंचम काल चालू हो गया। ये सेंटेंस है ना, सेंटेंस ये नेमीचंद जी पाटनी का है, नेमीचंद जी पाटनी ने गुरुदेव की शोक सभा में लाइन कही थी, क्या आज से क्या हो गया भरत क्षेत्र में पंचम काल चालू, क्यों, क्योंकि काल के बाहर तो है नहीं, जिसे हम काल यहां कंसीडर कर रहे हैं कि भाई जब परिणति आत्मा की तरफ दौड़े सो चौथा काल, और जब परिणति बाहर की तरफ दौड़ रही है पंचम काल। तो गुरुदेव जैसे महापुरुष थे, सैकड़ों लोगों की परिणति दौड़ी दौड़ी आत्मा की तरफ आती थी, इतिहास बन जाता था। जब लोग सोनगढ़ जाते थे तो आश्चर्यचकित हो जाते थे कि हजारों लोग बैठ के आत्मा की चर्चा सुनते भी हैं, ना विधान हो रहा, ना भक्ति हो रही, ना नाटक हो रहा, ना कवारी हो रही, ना कवि सम्मेलन हो रहा, और तो भी हजारों लोग बैठे ना आत्मा की बात सुन रहे, चमत्कार था। और आज भी
आज भी जो थोड़ा बहुत उस पूरा चमत्कार तो नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत उस चमत्कार की चमक है ना, वो भी गुरुदेव की सभाओं में दिखाई देती। बाकी हमारे यहाँ सिलवानी में सर्वसरण विधान हुआ, वो प्रवचन तो होते नहीं थे, और एक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में कवि सम्मेलन होगा, चौदश के चतुर्दशी के दिन क्या हो रहा है, कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलन में धार्मिक कविताएं तो होती नहीं है, है? कवित्रियां आएंगी, कवि संचालक उनके मजे ले, ये चल रहा किसके दिन, चौदश के। तो आज भी जो तत्व का चमका रहा है वो यही दिखाई देता है, क्योंकि गुरुदेव ने जो अमृत दिया है उसकी उसकी ना कोई वस्तु होती ना, क्या कहते हैं, वो तुरंत खुलती है तो ज्यादा सुगंधित होती है, और धीरे धीरे वो खुली रहती है उसकी सुगंध कम, लेकिन तो भी सुगंध तो रहे। ऐसे ही है आज वो कम सुगंध भी है ना तो भी है, समझ में आए विचार। तो मूल समय सा उस अनादि के संस्कार पर प्रहार करता है, जो संस्कार पर की तरफ दौड़ा दौड़ा जाता है, समझ में आया क्या बोला, समय सार परमोषधि क्यों है, सर्वोषधि क्यों है, महोषधि क्यों है, क्योंकि ये किस पर प्रहार कर रहा है, जो जो चीज आपको पर की तरफ खींच रही है यो उसके साथ संबंध तोड़ना है, फिर आपके पास अपने में आने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं रहता। सोचो धन कमाने जा रहे हैं, आपको लगे धन जरूरी है तो धन कमाने क्यों जाओ, परिवार शरीर ये सब भूलने जाएंगे तब कहाँ जाओगे, एक ही समय सार आपको एक तरीके ना निराधार करके छोड़ता है। अगर आप समय सार के रस में उतर गए तो वो आपको जगत से निराधार कर दे, ओ अनाथ, अरे नहीं भाई, निराधार करके तुझे चैतन्य चक्रवर्ती बना दे, तेरी शरण सब लेंगे, तुझे शरण की जरूरत, जगत में दीन बनकर घूमना अच्छा है कि प्रभु बनकर, आपके संस्कार को आपको दीन बना देते हैं और इस समय सार आपको प्रभु बनाता है, समझ रहे हैं, हमारे संस्कार हमें क्या बनाते हैं, दीन ही बनाते हैं। आप समझो कितने ही सुंदर हो, सुंदरता का संस्कार हो, किसी और अधिक सुंदर को देखोगे तुरंत दीनता, कितने ही पैसा वाले हो, अधिक पैसे वाले को देखो तुरंत दीनता, कितने बुद्धि वाले हो, अधिक बुद्धि वाले को देखोगे तुरंत दीनता। दीनता की तो क्या बात करो, ये नरेंद्र मोदी जब आता है ना तो ये सब सीएमओ की क्या हालत हो जाती है, वो यहाँ पे भूपेंद्र भाई कार के पीछे पीछे दौड़े ना, भूपेंद्र बहुत वीडियो वायरल हुआ, ऐसे भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल बहुत सीएम सीएम सीएम, लेकिन वो सीएम साहब भी जब पीएम के सामने गए तो पीछे पीछे दौड़े, कार आगे जरूर नहीं तो मतलब कार ना, ऐसे हमारे आगे मामा शिवराज सिंह उनका एक आता था, मतलब जब वो महाकाल दिखाने जा रहे थे वो कुछ मुंबई चपरासी जैसे लग रहे थे, कैसे लग रहे थे, बिल्कुल चपरासी जैसे लग रहे, ओहो राज्य का प्रमुख ऐसे पद वाला, लेकिन किसी के सामने तो क्या हो गया, दीन। और दीनता हायरार्की में चलती, सबके लिए देखा है। और मैंने एक और चीज देखी जो शायद आप भी उसे अग्री करेंगे, जो जितना नीचे वालों को दुत्कारता है उतना ऊपर वालों को पुचकारता है, देखा आपने, दोनों विसंगति मेरे अंदर में नहीं है इसलिए मुझे बड़ी अप्रिय लगती है, लेकिन जगत में देखता हूं मतलब ये लोग कितना अपने से ऊपर वाले के लिए एकदम ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल जैसे तुम ही सर्वे सर्वा, और अपने से नीचे वाले के लिए ऐसे बोलेंगे जैसे तू है कौन, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू,
जो दुत्कार रहा है वो पुचकार भी रहा है, और जो नीचे वाले का सम्मान कर रहा है वो ऊपर वाले के साथ में भी सम्मान से खड़ा है। ठीक है, हायरार्की में जो व्यवस्था है सो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपके सामने हम एकदम ऐसे हो जाए और दूसरे वाले के सामने बदलगे एक तरफ सी बन जाए और दूसरी तरफ है सामान्य व्यवहार, लेकिन ये संगति और बहुत चल रही, मुझे बहुत अपनी ही लगती है, लेकिन बहुत ऐसा होता है, क्या कर सकते हैं, कोई अपना बस नहीं है, जगत कैसे बोलता है। मुझे तो केवल इतना बताना है, ये जो संस्कार हमारे अंदर में पड़ा है सेठाई का प्रभुताई का, ये सब पटेलाई का, ये सब संस्कार आपको दीन बना के छोड़े, क्योंकि जो चीज से आप प्रभावित हो रहे हो उसकी पूर्णता आपके पास नहीं है, और जिसकी पूर्णता नहीं है उसके अभाव में दीनता होगी होगी और होगी। ये बात फिर से, जिस चीज से हम प्रभावित हो रहे हैं उसकी पूर्णता हमारे पास में है नहीं, और जिसकी पूर्णता हमारे पास में नहीं है उसके अभाव में क्या होगी दीनता। और समय सर कहते हैं नहीं, मैं किसी की कमी के कारण अधूरा हूं, किसी की कमी के कारण मैं पूरा हूं, ऐसा है ही नहीं, मैं तो स्वभाव से पूरा। कैसा स्वभाव से देखो, है ना, क्या मैं विचार ना, तो वो संस्कार खत्म करो जो जगत की तरफ खींच, आप देखोगे कि आप सबसे बेहतरीन हो। शरीर नहीं, शरीर कभी बेहतरीन नहीं हो सकता, पैसा नहीं वो कभी बेहतरीन नहीं हो, व्हाइट हाउस भी परफेक्ट नहीं है, सौंदर्य भी परफेक्ट नहीं है, प्रभुता भी परफेक्ट नहीं है, शरीर भी परफेक्ट नहीं है, ये केवल अपने अंदर का जो स्वभाव है वो परफेक्ट है, इसके अलावा सब इम्परफेक्ट। इसलिए वो संस्कार खत्म करना, देखो क्या कहते हैं, उद्गल कर स्वयं अपरिणमता, जीव ने गुरुदादी बाहु करके स्वयं पर प्रथम स्वयं अपरिणमता ने पर बड़े परिणमाली शकाए नहीं, जो नहीं परिणमित होना चाहता उसे दूसरा लाख उपाय से परिणमित नहीं करा सकता। देखो ऐसे, अब दूसरे नंबर पे कारण की जीव शक्ति, कारण के वस्तु में जी शक्ति स्वतः न हो तेने में कोई कर सके नहीं, माछली में पानी में तरवानी सह शक्ति हुआ आपका मन नहीं रुकती, तो पची कोई क्या थी कर अने स्वयं परिणमता ने तो पर परिणाम नारनी अपेक्षा ना होए, कारण के वस्तुनी शक्तियों पर नहीं अपेक्षा रखती नहीं, हम कहवाए ना मोर ना अंडा ने चितर हु ना, कहवाए ना मोर के अंडे को क्यों, क्योंकि खुद को खुद ना मिल रहे होते, स्वयं परिणमित उस रूप हुए उसको कौन करेगा, जो मोर स्वयं रंग वाला है उसके उसके जो अंडे होते हैं वो भी कैसे होते हैं, उसे कौन बदले। आप सच में इस बात का गहराई से विचार करें, सारा जगत पूरा विज्ञापन पूरे डॉक्टर पूरे लोग ऐसे बोल रहे हैं, सप्लीमेंट ऐसे दे रहे हैं कि जैसे सबके पास में संजीवनी बोलती है, जैसा चाहे वैसा बना दो, जैसा चाहे वैसा बना दो, जैसा चाहे ऐसा, अरे नहीं अरे शरीर के मामले में सब ऐसे दे रहे, ये खाओगे ऐसा हो जाएगा, इससे मोटा हो जाएगा, इससे दुबला हो जाएगा, इससे बाल आ जाएंगे, इससे जड़ जाएंगे, इससे मतलब पूरे दिमाग में आपको कौन सी बात भरी जा रही है, ये बचा करके देखो, जब तक हॉल
ठीक से अब बोन पीटर नहीं होते थे, कोई बच्चे लंबे होते नहीं थे ना, जब तक कॉस्मेटिक नहीं होता कोई सुंदर होते ही नहीं था ना, दवा नहीं होती थी तब कोई स्वास्थ्य रहता ही नहीं था। विचार है भैया, लेकिन दिमाग में ये चीज भरी जा रही है बराबर, कि बच्चों को लंबा करना है तो ये खिलाओ ये पिलाओ, इतने न्यूट्रिशियन इतना, और वो एक आता है 30 सेकंड का विज्ञापन देकर ऐसे सब, इसमें ये सारी चीजें किसके अंदर है आपके, और इसमें बहुत मीठा में फलाने में। अशोक भाई आपने क्या किया लाइट तो नहीं, बिल्कुल भाई यही छेपट वाले मम्मी से पूछना क्या बुलाया था है दिमाग को फिट कर दिया। अब क्या है देखो, संस्कार खींच रहा है अंदर में, हमारे अंदर में संस्कार क्या पड़ा है अब समझ लो, आपको लगता है विज्ञापन वाले आपको करवा रहे, ऐसा नहीं, आपके हमारे अंदर में संस्कार पड़ा है कि हम या हमारी संतति कैसी होनी चाहिए, लंबी सुंदर गोरी होशियार स्वस्थ परफेक्ट, है ना, उससे ये लोग खेल रहे हैं बस, ये संस्कार पड़ा है अंदर। और समझ जाते हो भाई, कहां लिखा कि गोरा सम्यक दृष्टि होगा, कहां लिखा लंबा सम्यक दृष्टि होगा, कहां लिखा ये सम्यक दृष्टि होगा, जो हमारा लक्ष्य है उसमें शरीर का क्या योगदान है इतना तो बता दो, हर एक को अपना। वो मेरा सुंदरी की कथा में नहीं आता कि वो मेरा सुंदरी के पिताजी ने बोला कि बेटा तुम्हें ये सब ऐश्वर्य कैसे मिला, बोले पिताजी मेरे पुण्य से मिला, तो पिताजी का ईगो हर्ट हो गया, बोले मेरे पुण्य से मिला, मैं तेरे पुण्य से मिला, मैंने कुछ नहीं किया, तो जा आज तेरी शादी कोड़ी से करूं, मैं मेरा उपकार नहीं मानती, मैंने दिया उसका वो नहीं कहती, आप देख मैं तेरे साथ क्या करूंगा, मेरा सुधीर जो मेरे पुण्य पाप में होगा वो होगा, कोड़ी से शादी की दुख भी उठाया वो कामदेव बन गया। हमारे अंदर का संस्कार ऐसा करवाना है, समय सर कहता तुम संस्कार रखी मत, क्यों, क्योंकि अपरिणमित वस्तु को कोई परिणमित करा सकता और जो परिणमित होने वाली है उसको परने क्या किया, समझ में आया। आज सारा पश्चिम इस बात को गहराई, हमको ये सब बीमारियां सौंप कर वो गहराई से विचार कर रहा है, जिसने ये व्हाइट और ब्लैक का कॉम्प्लेक्स खड़ा किया, अब वहां ये बात चल रही है ये चमड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर में बढ़ दिए है, सफेद अच्छा होता है, लंबा अच्छा होता है, ऐसा अच्छा होता है, झुर्रियों वाला चेहरा अच्छा नहीं होता, बिना झुर्रियों वाला चेहरा अच्छा होता है, सब चीजें अपने अंदर में भर दी, अब वो हमारे अंदर में संस्कार का स्थान दे दिए, अब हम उसको फिल करने के लिए यहाँ वहां माथा मार दे। अरे भाई पुतगल में अपनी अपनी परिणाम की शक्ति है, और जो जिस रूप परिणमित होता है उस रूप में ही परिणत होता है, मैं समझ जाऊंगा। सब पुद्गलों में परिणमन की है स्वाभाविक शक्ति, जब और उनके परिणमन में नहीं कोई हेतु, तब समय अपनी अपनी शक्ति हो रही है, जीव अपनी शक्ति है, अन्य अपनी शक्ति है, बराबर, सब अपने अपने रूप परिणमन हो रहे हैं, तुम्हें जरूरत क्या है बेहतर को और बेहतर बनाने की, बेहतरीन है, परमी अपेक्षा रखते थी जी परिणमन स्वभाव वालो स्वयमेव हो एम होता हुए थी जेम गरुड़ना ध्यान रूपे परिणमेलो मंत्र सागा, ये वो छे होते गरुड़ मंत्र, देख के भाई ना पहला जी मंत्र रहता था कि मैं गरुड़ मंत्र,
અને ગરુડ મંત્ર નો જે વિચાર કરે એમ સાપ નું વિષ ચડે ને ત્યારે ગરુડ મંત્ર નું આહવાન કરવાનું આવે કરો છો પૂછતા નહીં હું તો આ આકર્ષણ બહુ ઉત્પન્ન ગુરુ નું કરો કરો હમણાં તો ચાલુ કરું યુટ્યુબ બનાવી મૂકી દઉં સાપ કે ઝેર માં એ સુધારી પ્રકાશન આતા ગરુડ ગરુડ કો વિષ કે ઉતારી વાર ઓર જબ વો મંત્ર का साधक उस मंत्र का आह्वान करता है तो वो स्वयं गरुण ही क्योंकि तो जैसे गरुण के तेज से जहर उतर जाता है वैसे उस मंत्र के आराधक जीव के सानिध्य से वो जहर उतर जाता है। इसलिए उस पर्याय रूप परिणमित साधक वैसा ही है जैसे क्रोध आदि विकारी रूप परिणमित जीव उस समय वैसा ही है। ये स्वयं परिणमन स्वभाव કેટલી ચર્ચા કરી બાવા તો સરળ હી જે પરિણામ સ્વભાવ વાળા છે જ્યારે પોતાનો ઉપયોગ પ્રદાન રૂપ પરિણમે છે ત્યારે પોતે પોતાની રૂપ એટલે કોઈ પરાણે કરતો નથી પોતે જીવ બનતા જતા રૂપ